अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर हम डिस्कस करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म। स्टूडेंट, अगर एक लाइन का हमें इंटरसेप्ट पता हो और उस लाइन का हमें स्लोप पता हो तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? वाई बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस सी के। यहाँ पर एम स्लोप है स्टूडेंट और सी इंटरसेप्ट है। वो इंटरसेप्ट एक्स भी हो सकता है, वो इंटरसेप्ट वाई भी हो सकता है। और अगर हमें एक लाइन के 2 इंटरसेप्ट पता हो, उसका हमें एक्स इंटरसेप्ट भी स्टूडेंट पता हो और उसका हमें क्या पता हो, वाई इंटरसेप्ट भी स्टूडेंट पता हो, एक्स भी पता हो स्टूडेंट और वाई भी पता हो, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है स्टूडेंट, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। और अगर स्टूडेंट हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर हमें स्लोप मालूम करना हो, इससे पहले हमने स्लोप कैसे मालूम किया था? जब एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही थी तो हमने देखा था स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता हो, और इक्वेशन क्या हो स्टूडेंट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स है, बी यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ वाई है और सी एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट एम बराबर हो जाएगा माइनस का कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई। ये माइनस साइन फॉर्मूले का स्टूडेंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए और कोफिशियंट ऑफ वाई की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट बी, तो एम बराबर हो जाएगा माइनस का ए डिवाइडेड बाय बी। एक ये फॉर्मूला भी है स्टूडेंट कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं इसको, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच स्लोप्स इज 3/2 एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज 1/2। स्टूडेंट, हमें स्लोप पता है 3/2 और हमें उसका इंटरसेप्ट पता, वाई इंटरसेप्ट पता है 1/2, और हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वाई बराबर होता है एम एक्स प्लस सी के, एम की जगह पे आ जाएगा 3/2 और सी की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट 1/2। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2, तो ये ऊपर आ जाएगा 3x प्लस का 1, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 3x प्लस 1। स्टूडेंट, प्लस का 2y यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 2y, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट हमें क्या मिल गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन x एंड y इंटरसेप्ट्स आर 3 एंड 5। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट किसके बराबर है 3 के, और जिसका वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर है 5 के, एंड ऑल्सो फाइंड स्लोप। और हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, स्लोप भी फाइंड करना है। हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ए की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट 3 और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 × 5 = 15, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा y से इक्वल टू 1, 15 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट 1 से आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15 × 1 = 15, प्लस का 15 स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें क्या मिली, 5x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब हमें इस स्ट्रेट लाइन की मदद से स्लोप फाइंड करना है, तो स्टूडेंट स्लोप का फॉर्मूला क्या है, एम बराबर है माइनस का ए अपॉन बी, एम किसके बराबर है माइनस का कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई। स्टूडेंट कोफिशियंट ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 5, कोफिशियंट ऑफ वाई की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा 3, तो स्लोप क्या हो गया हमारे पास माइनस का 5 / 3। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, थैंक यू।